साथ हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के कर्ता धर्ता मिस्टर अपोक जमीर, जो कि सरकार के पर्यटन विभाग के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। नमस्कार मिस्टर जमीर। नमस्कार। क्या आप हमें इस नागालैंड स्टेट के बारे में कुछ और बता सकते हैं? वैसे नागालैंड राज्य बहुत ही दिलचस्प राज्य है, और अगर इस राज्य को देखें तो हम नागालैंड को मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ हैं, बल्कि यहाँ 16 मुख्य जनजातियाँ और उप जनजातियाँ हैं। यानी नागालैंड राज्य में बहुत विभिन्नता नजर आती है, लेकिन सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। वाओ, तो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? मुझे लगता है इस संस्कृति को बचाने के लिए नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू किया था, जो कि राज्य दिवस से भी संबंधित है। दरअसल हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी सभी जनजातियों के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना होता है, शायद दुनिया को एक तरह से ये दिखाने की कोशिश के नागालैंड राज्य में कितनी विविधताएं हैं। हाँ, उद्घाटन समारोह लाजवाब था, और अब मुझे बाकी शानदार कार्यक्रमों का इंतजार है। सब कुछ एकदम रंग बिरंगा था, पूरा फेस्टिवल शानदार होता है। हाँ, तो आओ जनजाति में क्या खास है? वेल, आओ जनजाति मुफुकचुंग के रहने वाले हैं, बल्कि हम सभी आओ हैं। ये सब आओ जनजाति का हिस्सा है, और वो वहाँ मुरुंग है। आओ जनजाति को कई तरह से सबसे आगे माना जाता है, चाहे बात शिक्षा की हो या फिर विकास की हो, वो सबसे आगे हैं। हाँ, वैसे कई दूसरी जनजातियां भी हैं, उनका भी राज्य की प्रगति में काफी योगदान रहा है। सब अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आओ जनजाति को ही सबसे आगे माना जाता है। क्या बात है, बढ़िया। और ये हैं आओ जनजाति के गायक। हाँ, जो हमें एक गाना सुनाने वाले हैं। बहुत ही मजेदार लगा इनसे मिलकर और इनका संगीत सुनकर। मैं फोंग जनजाति के मुरंग में हूँ। ये नागालैंड के लॉन्गलेंग जिले से हैं। 1956 से पहले ये अपने हेड हंटिंग के लिए मशहूर थे, असली योद्धा थे। देखे इन लोगों को, ये बंदूकें त्योहार में इस्तेमाल होती थी और होती हैं। निशाना सही लगना चाहिए, क्योंकि फिर इसे लोड करने में 10 मिनट लगते हैं। ये ले लीजिए। लॉक ड्रम का नागा संस्कृति में काफी महत्व है। ये ड्रम युद्ध के वक्त दुश्मन के आने से पहले चेतावनी के रूप में बजाया जाता था। अब इसे सभी प्रमुख मौकों पर बजाते हैं, जन्म मृत्यु सभी मौके। मैं भी इसे आजमाने वाला हूँ, चलो शुरू करें। हेलो। कमाल की चीजें हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, ये क्या है? ये है वाइल्ड एप्पल। वाइल्ड एप्पल? हाँ। तो इसमें हर्ब्स एप्पल्स में मिलाई गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तीखी मिर्च, नमक और तेल मिलाया गया है। क्या आपने सबसे तीखी मिर्च के बारे में सुना है? सबसे तीखी? हाँ, हमारे पास दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, और ये जंगली एप्पल्स आपको नागालैंड के जंगलों में ही मिलेंगे। और आपके पास जंगली तीखी मिर्च भी है? हाँ, है ना, आपको ट्राई करना है। मैं उसे बाद में चखूंगा, कहीं उसे खाने के बाद मैं गिर ना जाऊं। वो क्या है, मुझे तीखी चीज पसंद नहीं है, इसलिए ट्राई करूंगा। और क्या है आपके पास? ये रहा गूसबेरीज। ये गूसबेरी है। आपने आंवला के बारे में तो सुना ही होगा। आंवला? मुझे लगता है आंवला इंडिया में ज्यादातर लोगों को पसंद है। और वो मिर्च जिसका आपने अभी जिक्र किया? ये मिर्च है। ट्राई करने का वक्त आ गया है।
अच्छा तो ये है दुनिया की सबसे तीखी मिर्च। ये सबसे तीखी मिर्च है? ये बहुत बहुत तीखी मिर्च है, बहुत ही ज्यादा तीखी है। आप चखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तीखी है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नागा वॉरियर्स को, हम दुश्मनों का मुकाबला मिर्च जलाकर करते हैं। मिर्च को जलाकर दुश्मन को हराते थे, अब मेरे जन्म की बारी है। गन्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एक पारंपरिक लोक कथा है। लोक कथा? ओके हाँ, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो ये मिर्च सबसे तीखी मेक्सिकन मिर्च से भी ज्यादा तीखी पाई गई है, जिसकी पेपर रेटिंग्स है एक, रहने दो कई लाख की रेटिंग होगी। चलो शुरू करते हैं। हाँ, ये चिली पाउडर है। ओ, ये बेहद तीखी है, क्या आप वाकई इसे चखना चाहोगे? यहाँ हमारे पास पानी तो होगा। हाँ। चीयर्स। और थोड़ा और। उरे! पानी पीना पड़ेगा।